नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीसीएम क्यूब पे। मायसेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम एनआईटी अगरतला। हम लोग समुच्चय पढ़ रहे थे क्लास 11th का चैप्टर 1। इसमें हम लोगों ने समुच्चय की डिफिनेशन देखी थी, समुच्चय होता क्या है और समुच्चय को निरूपित करने की विधियां। इसके बाद हम लोगों का जो बुक में एग्जाम्पल दिया है वो करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपके क्वेश्चन लिखे हैं, 5 क्वेश्चन है। पहला है आपका समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। तो हम लोग पहला करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो का हल। हम लोगों को क्या करना है, इसका हल करना है। तो हल करना तो ये बेसिक 9th में पता है आपका। हम लोग क्या करेंगे, प्लस टू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। यहाँ से x कॉमन करेंगे तो ये x प्लस टू, इधर माइनस वन कॉमन करेंगे, यहाँ x प्लस टू इक्वल टू जीरो। एक ब्रेकेट में हो गया x प्लस टू, एक में x माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस टू इक्वल टू जीरो या x माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x इक्वल टू माइनस टू, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू वन। तो x का जो आपका सोलूशन आ गया, क्या आ गया, दो, एक माइनस टू और वन। तो इस समीकरण का जो हल है वो सारे x जो इस समीकरण को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। इस समीकरण का हल है x इक्वल टू माइनस टू और वन। रोस्टर रूप में लिखना है तो रोस्टर रूप में हम लोग क्या करते हैं, मझला ब्रेकर लिखते हैं और उसके बाद में जो अवयव होते हैं उनके बीच में कामा लगा के सेपरेट करके लिख देते हैं और ब्रेकेट बंद कर देते हैं। ये हमारा रोस्टर रूप में हो गया, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन का दो रूप होता है। हम लोगों ने देखा था एक रोस्टर रूप और एक समुच्चय निर्माण रूप। तो रोस्टर रूप में सीधा सीधा क्या होता है, मझला ब्रेकेट लगा के और सारे अवयव जो होते हैं उसको कॉमा से सेपरेट करके लिस्ट कर देते हैं, वही होता है रोस्टर रूप। ये आपका पहला हो गया। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। समुच्चय एक्स जहां x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर लेस देन 40 को रोस्टर रूप में लिखिए। अपना समुच्चय क्या है, x सभी x जहां x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर लेस देन 40। यानी x स्क्वायर करने पे हमारा क्या आना चाहिए, 40 से कम आना चाहिए और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, धन पूर्णांक होनी चाहिए। तो वही जो है वो सारे x जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे उन्हीं को हम लोग लिस्ट कर लेंगे, वही हो जाएगा रोस्टर रूप में। तो x स्क्वायर लेस देन 40 यानी ऐसा जो है धन पूर्णांक हमको खोजना है जिसका स्क्वायर करने पे जो है 40 से कम आए। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 1। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ये 40 से कम है, x इक्वल टू 2 3 4 5 6 6 तक तो चलेगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, ये 40 से कम है। अगर हम लोग 7x की वैल्यू ले लेते हैं तो 7 का जो स्क्वायर होगा वो 49 होगा और ये क्या है, 40 से ग्रेटर है यानी 40 से बड़ा है। तो 7 जो है नहीं लेंगे। तो हम लोगों को x की वैल्यू क्या आ गई, 1 2 3 4 5 6। वो सभी x जहां x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर लेस देन 40। तो रोस्टर रूप में हम लोग कैसे लिखते हैं, मझला ब्रैकेट लगा के जो सारी वैल्यूज है उसको कॉमा से सेपरेट करके लिख देते हैं, 5 6। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपका ये सेट दिया है ए, ए इक्वल टू 1 4 9 16 25। उसके बाद में तीन डॉट लगा के ब्रैकेट बंद कर दिया। तीन डॉट लगा के ब्रैकेट बंद करने का मतलब कि यही पैटर्न आपका इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा है, यही सेम पैटर्न जाएगा। तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। अभी तक हम लोगों ने क्या लिखा था, रोस्टर रूप में लिखा था। रोस्टर रूप में क्या होता है, जो एलिमेंट होते हैं उनको सारणीबद्ध कर लिया जाता है। तो इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। समुच्चय निर्माण रूप जो होता है, हमने क्या बताया था कि जो सारे एलिमेंट्स होते हैं सेट के उनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है, जो सेट के बाहर वाले एलिमेंट में वो प्रॉपर्टी नहीं होती और उसी प्रॉपर्टी का हम लोग मैथमेटिकली लिख लेते हैं, वही हो जाता है। तो एलिमेंट्स अगर वन, यहाँ पे देखिए 1 4 9 16 25, ये वन क्या है, ये वन का स्क्वायर है। ये फोर क्या है, टू का स्क्वायर है। नाइन क्या है,
थ्री का स्क्वायर है 16 क्या है, फोर का स्क्वायर है 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है। यानी ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर हैं, सारे नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर हैं। तो हम लोग इसको जो समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो a इक्वल टू क्या लिखेंगे, x, जहां x सारे x, जहां x क्या होगा प्राकृत संख्या का वर्ग है, या इसको हम लोग और थोड़ा मैथमेटिकली अगर लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, x जहां x क्या है, सभी x जहां x इक्वल टू n स्क्वायर और n बिलोंग टू कैपिटल N नेचुरल नंबर, यानी x इक्वल टू n स्क्वायर, सभी x x इक्वल टू n स्क्वायर और n ये क्या है, सारे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है तो x क्या है सारे नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर को जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अपना तीसरा हो गया। तो तीसरे से संबंधित हम लोग क्वेश्चन अभी जो हम लोगों ने देखा था कि a इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25, इसमें हम लोग और क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 1, 8, 27, 64, 125, 216, इसको हमको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, मान लेते हैं उसी टाइप का क्वेश्चन है ये, समुच्चय निर्माण रूप में इसको लिखना है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, समुच्चय में के जो सारे अवयव हैं उसमें कोई कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढेंगे कि जो समुच्चय के बाहर वाले एलिमेंट में नहीं होगी। तो इन नंबर्स को हमको देखने पे क्या पता चला है कि 1 जो है ये क्या है, 1 का क्यूब है, 8 क्या है 2 का क्यूब है, 27 क्या है 3 का क्यूब है, 64 क्या है 4 का क्यूब है, 125 क्या है 5 का क्यूब है और 216 क्या है ये 6 का क्यूब है, और यही सारे ऑनवर्ड्स इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। तो ये क्या है, इन सारे एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टी है, ये सारे नेचुरल नंबर्स का क्यूब है, घन है हम लोग। तो b इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, b इक्वल टू x जहां x प्राकृत संख्या का घन है, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि x जहां x क्या है, x इक्वल टू n क्यूब और स्मॉल n क्या है नेचुरल नंबर का सेट है, n बिलोंग टू कैपिटल N। तो ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन पे हम लोगों ने बेस्ड एक और क्वेश्चन बना लिया, तो इसी टाइप में इसमें कुछ भी दिया जा सकता है। अब हम लोग फोर्थ एग्जांपल अपना देखते हैं कि एक समुच्चय आपका दिया है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, इसको हमको क्या करना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो समुच्चय निर्माण रूप में देखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, लिखने के लिए एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी ढूंढनी पड़ती है और उसको मैथमेटिकली लिखना पड़ता है या सेंटेंस के रूप में। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये 1/2 है, इसका जो अंश है वो हर से एक कम है, 2/3 है, इसका भी अंश जो है हर से एक कम है, 3/4 में भी यही बात है, 4/5 में भी यही है, 5/6 में भी यही है, 6/7 भी, यानी जो अंश है सब में वो हर से एक ज्यादा है, पहली प्रॉपर्टी हो गई। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, x सभी x जहां x इक्वल टू, हम लोग अब क्या करते हैं, हर को एक ज्यादा करना है, तो अगर अंश n है तो हर क्या हो जाएगा, n+1, सभी x जहां x इक्वल टू n अपॉन n+1,
अभी स्मॉल एन की वैल्यू कहां से कहां होगी, स्मॉल एन की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेके 6 तक। और तो हम लोग और एन की वैल्यू क्या होगी 1 से लेके 6 तक, एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो अपना पहला अवयव मिलेगा, एन की वैल्यू 2 रखेंगे दूसरा, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, तो इक्वल टू लगा है वहां पे, एन 1 और 6 पे इक्वल टू लगा है, एन की वैल्यू वही होनी चाहिए 1 से लेके 6 तक। एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 6, और ये नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, क्योंकि जो कोई नंबर्स के बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे 1 के बाद 2 ही नहीं आता, 1.5 तमाम नंबर होते हैं, इनफिनाइट नंबर्स, तो एन जो है नेचुरल नंबर्स होना चाहिए। और कौन से नेचुरल नंबर्स, 1 और 6 को लेके और उसके बीच में जितने आते हैं वो। तो हम लोगों ने ये लिख लिया, इसको समुच्चय निर्माण रूप x इक्वल टू n अपान n प्लस 1 इसको ऐसे लिखें कि x इक्वल टू n अपान n प्लस 1, जबकि ऐसे लिख लें कि जबकि n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 6 एंड बिलोंग टू n। ये हम लोगों का जो है चौथा एग्जाम कंप्लीट हो गया, अब हम लोग फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बाई ओर रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चय का दाई ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय से मिलान कीजिए। बाई ओर क्या है, ये सारे समुच्चय क्या है, रोस्टर रूप में है, और इधर दाई ओर जो सारे समुच्चय हैं ये किस रूप में है, समुच्चय निर्माण रूप में है। तो ये जो है हम लोग जानते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है, वही उसी सेट को, सेम सेट को हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसको रोस्टर रूप में या सारणीबद्ध रूप में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक इसमें का एक इससे मैच होगा, तो हमको क्या करना है, मैच कराना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जो समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। पहला जो ए पार्ट में आपका दाईं तरफ लिखा है वो क्या लिखा है, सभी x जहां x एक धन पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक है और 18 का भाजक है। तो ये जो लिखा है आपका समुच्चय निर्माण, सारे x जहां x क्या धन पूर्णांक है और 18 का भाजक है, यानी 18 को डिवाइड करने वाली जितने धन पूर्णांक है। तो 18 को कौन कौन संख्याएं डिवाइड करती है, 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 3, 4 नहीं करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 करेगा, फिर 9 करेगा और 18 करेगा। इतने नंबर्स हैं जो 18 को डिवाइड करते हैं और धन पूर्णांक है। तो इसको अगर हम लोग रोस्टर रूप में लिखेंगे तो 1, 2, 3, 6, 9, 18। अब हम लोग बाई तरफ देखते हैं, ये थर्ड से मैच कर रहा है, तो ए वाला जो है किससे मैच होगा, ये थर्ड से। बी पार्ट हम लोग देखते हैं दाई तरफ, वो क्या लिखा है, सभी एक्स जहां एक्स एक एक पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो सभी एक्स जहां एक्स एक पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, एक्स पूर्णांक भी होना चाहिए और एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, एक्स ऐसा होना चाहिए कि इसमें वैल्यू रखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 आए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 को हम लोग अगर सॉल्व करें तो यहाँ से एक्स की क्या वैल्यू आएगी, इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी वाले फॉर्मूले से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू हो गया एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस 3 और 3। अब ये समुच्चय क्या कह रहा है, x एक धन पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 को जो है संतुष्ट करने वाली दो वैल्यू है, एक माइनस 3 और एक 3, लेकिन हमको क्या चाहिए कि दोनों बात होनी चाहिए, इसको सेटिस्फाइड भी करे और धन पूर्णांक भी हो। तो धन पूर्णांक यहाँ पे केवल क्या है, 3 है,
तो इसका जो हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन ये केवल और केवल थ्री। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे धन पूर्णांक नहीं, यहाँ पे पूर्णांक है, पूर्णांक है सॉरी। तो ये थ्री और माइनस थ्री दोनों हो जाएंगे। अगर यहाँ पे धन पूर्णांक होता तो केवल थ्री इंक्लूड करता। पूर्णांक में हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर आते हैं। तो ये हो गया माइनस थ्री और थ्री, माइनस थ्री और थ्री किससे मैच कर रहा है, तो बी वाला जो है किस पे मैच करेगा, ये फोर्थ वाले से। अब हम लोग सी वाला देखते हैं। सी वाला पार्ट दिया है सभी एक्स जहां एक्स एक पूर्णांक है और एक्स प्लस वन इक्वल टू वन। एक्स क्या है, सभी एक्स जहां एक्स पूर्णांक है, एक्स पूर्णांक होना चाहिए और एक्स प्लस वन इक्वल टू वन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो एक्स प्लस वन इक्वल टू वन, तो यहां से एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। तो x प्लस वन इक्वल टू वन को सेटिस्फाई करने वाला एक ही नंबर जीरो। अब हम लोग ये चेक कर लेते हैं ये पूर्णांक है, हाँ ये पूर्णांक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, जीरो। और ये जीरो कहाँ पे है, सेकंड वाले में। तो c वाला अपना किससे मैच कर रहा है, सेकंड वाले से, a वाला थर्ड वाले से, c वाला सेकंड वाले से और b वाला फोर्थ वाले से। हम लोग डी पार्ट देख लेते हैं। डी राइट साइड में सभी एक्स जहां एक्स शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है, तो पी आर आई एन सी आई पी ए एल, तो इसको हम लोग लिखेंगे। तो पी हो गया आपका कामा आर, फिर आई, फिर एन, फिर सी, फिर आई आ रहा है, तो हम लोग जानते हैं रिपीट नहीं किया जाता। फिर पी आ रहा है, पी भी रिपीट नहीं किया जाएगा, ए फिर एल। तो ये वाला किससे मैच हो गया आपका, फर्स्ट से। तो डी वाला जो आपका मैच हो गया, डी वाला ये फर्स्ट से। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो है इसको जो है डिकोड करना आसान रहता है। ये जो दिया, ये नंबर्स कुछ दिए हैं 1 2 3 6 9 18, इसको देख के फिर जो है ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, मतलब की जो है आप कि कौन से मैच कर रहा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसी को ब्रेक करके तुरंत ही इसको रोस्टर रूप में लिख लेते हैं, तो रोस्टर रूप वाला अपने आप मिल जाता है। क्योंकि जो होता है रोस्टर रूप से अगर आपको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। लेकिन अगर समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है तो क्योंकि प्रॉपर्टी गिवन है तो रोस्टर रूप में लिखना थोड़ा उसके कंपेरिजन में इजी पड़ता है। तो ये जो पांच क्वेश्चन एग्जांपल्स आपके दिए थे एनसीईआरटी बुक में, ये आपका हो गया। इसके बाद हम लोग इसका पहला एक्सरसाइज करेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर का। थैंक यू।